ये मात्र एक तस्वीर नहीं बल्कि देश की वास्तविक स्थिति को बयां करता एक कड़वा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। ये भयानक स्थिति जो आज हमारे बीच में है, ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों की देन है जिसने हमें बनाया। अगर हम उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, नष्ट करेंगे, तो वो प्रकृति भी हमें नष्ट करना जानती है। अब देख लो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और नुकसान पहुंचाने का नतीजा। अपने जिस स्वार्थ के लिए हम जीवनदाता जंगलों को, पेड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि उसी ऑक्सीजन के कारण हम इंसानों की जान जा रही है। वास्तव में आज देश प्रगति की बुलंदियों को छू जरूर रहा है, लेकिन सिर्फ मीडिया रूपी दर्पण में। वास्तविकता उतनी ही कड़वी और तीक्ष्ण है जितनी कि हम बंद आँखों से सपने देखते हैं और सोचते हैं कि यही वास्तविकता है। हम चाहे जितने भी बिल्डिंग महल क्यों ना खड़े कर लें, चाहे जितने कारखाने क्यों ना लगा लें, चाहे जितनी मूर्तियां स्टैचू क्यों ना बनवा लें, चाहे जितने संसाधन क्यों ना जुटा लें, लेकिन अगर सीमांत दूर गांव में बैठा एक किसान भूखा है, सूखी रोटी खा रहा है, संसाधनों के अभाव में जीवन जी रहा है, तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। इसे इतने बड़े लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह कहा जा सकता है। इसे इतने बड़े लोकतंत्र के सेवक पर कलंक कहा जा सकता है। वास्तव में विकास का अर्थ और परिभाषा ही कहती है कि किसी भी समाज, देश में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को सही दिशा की ओर ले जाए, वास्तव में वही विकास है। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।